हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये हमारे चैनल MJ फॉर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। और आज हमारा वीडियो नंबर 64। और लास्ट वीडियो में हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। तो आज हम शुरू करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर का मतलब क्या है? फॉरफीचर का मतलब है जब कोई शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट या किसी कॉल का पैसा देने से मना करेगा तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट कर लेंगे मतलब उसके शेयर्स हम जब्त कर लेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक पर्सन है ए, जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और मैंने उससे पैसा मांगा है 3 रुपये एप्लीकेशन पे और 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो पैसा मांग रखा है मैंने ऐसे ऐसे 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और टोटल 10 रुपये का शेयर था। तो कह सकता हूँ यहाँ पे 10 रुपये का शेयर था। अब क्या हुआ भाई, एप्लीकेशन का पैसा उसने दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा उसने दे दिया, तो ये दोनों पैसा तो उसने मुझे दे दिया। लेकिन जब मैंने मांगा उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 3 रुपये, तो उसने मुझे पैसा नहीं दिया। जिस डेट में मैंने कहा था भाई इस डेट तक मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दो, उसने मुझे पैसा नहीं दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसके शेयर्स फॉरफिट कर लूंगा क्योंकि वो कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है। फॉरफिट कर लूंगा मतलब उसके शेयर्स में कैंसिल कर लूंगा और अब तक जितना पैसा वो दे चुका है उसे मैं जब्त कर लूंगा, उसे मैं वापस नहीं करूंगा। तो कितना पैसा दे चुका है अब तक वो, 4 और 3 रुपये मुझे दे चुका है 1000 शेयर पे, 7 रुपये मतलब 7000 रुपये मुझे वो दे चुका है और 3000 रुपये मुझसे मांग रहा हूँ भाई दे दे, वो नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 7000 रुपये कंपनी उसके पैसे रख लेगी और उसके शेयर्स कैंसिल कर देगी और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में से हटा देगी क्योंकि वो शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं दे रहा। और उससे जब हमने डेट दे रखी हो भाई इस डेट तक हमें पैसा दे दो, मान लो मैंने कह रखा है 1 जनवरी तक हमें पैसा दे दो, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, तो मैं एक नोटिस भेजूंगा उसे 14 डेज पहले, जिस डेट में मैंने फॉरफिट करने हैं उससे 14 दिन पहले एक नोटिस भेजूंगा कि हाँ भाई पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, फिर भी नोटिस का जवाब नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, तो उसके शेयर हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे द सम ड्यू ऑन स्पेसिफाइड डे कंपनी मे फॉरफिट हिज शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर एक स्पेसिफाइड डेट में पैसे नहीं देगा, किसी का भी ना दे, वो अलॉटमेंट का ना दे, फर्स्ट कॉल का ना दे, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके शेयर्स फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है। और सेकंड पॉइंट में लिख रखा मैंने, द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम इज नॉट रिटर्न टू हिम, और जितना पैसा वो अब तक मुझे दे चुका है वो कंपनी उसे वापस नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे इसने मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 7 रुपये दे दिया था, 7000 रुपये दे दिया था और वो वापस कंपनी नहीं करेगी। और थर्ड पॉइंट में लिखा है, हिज नेम इज रिमूव फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और जो कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होगा, जब मैंने शेयर्स इशू किए होंगे कंपनी में रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया होगा ये पर्सन है, इसको मैंने शेयर्स दिए हैं, ये है कंपनी का शेयर होल्डर है। लेकिन अगर वो पैसे नहीं दे रहा, कंपनी ने उसके शेयर्स कर लिए फॉरफीट, तो कंपनी क्या करेगी, उसका नाम हटा देगी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से। लेकिन कंपनी को एक नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले, फॉरफीट करने से 14 दिन पहले कंपनी एक नोटिस देगी कि भाई आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, नहीं तो हम आपके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो ये होता है फॉरफीचर। अब इसके केस में हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनाएंगे वो बताते हैं हम आपको। तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेंगी फॉरफीचर के केस में, तो दो केस मैंने डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पे। क्या लिख सकता है, पहला फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार, मतलब उन शेयर्स का फॉरफीचर कर रहा हूं मैं जो मैंने एट पार इशू किए थे। एट पार मतलब जब जो फेस वैल्यू थी उसी पे ही इशू कर दिया था, अगर 10 रुपये का शेयर था तो 10 रुपये में इशू कर दिया था। और दूसरा लिख सकता है मैंने, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, मतलब जो शेयर्स मैंने प्रीमियम पे इशू किए होंगे, मतलब 10 रुपये का शेयर था और 12 रुपये में इशू किया होगा, उनको अगर मैं फॉरफिट कर रहा हूँ तो उनकी क्या एंट्री बनेगी। तो जिनको इशू किया होगा मैंने पार पे, उनकी अलग तरह एंट्री बनेगी और जिसको इशू किया होगा प्रीमियम पे उसके लिए अलग बनेगी। तो जिसको इशू किया है मैंने पार पे उसके लिए हम क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, तो क्या लिख सकता है मैंने यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट।
तो टू शेयर जो हमने यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखा है, क्योंकि जब हमने शेयर इश्यू किए थे तो शेयर्स कैपिटल को लिखा था क्रेडिट में, लायबिलिटी बनाई थी, लेकिन अब हो रही है ये लायबिलिटी खत्म, ये फॉरफीचर करते समय ये लायबिलिटी हो रही है खत्म, इसलिए हम इसको लाएंगे डेबिट में। तो हमने लिख दिया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट लिखा, फिर टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एंड देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे आप, कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप वैल्यू का क्या मतलब है, जितना पैसा आपने मांगा है, और शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे जो पैसा आपको नहीं मिला। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा आपको नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल चुका है तो शेयर अलॉटमेंट आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे टू फर्स्ट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल या टू शेयर सेकंड कॉल, हो सकता है टू शेयर फाइनल कॉल भी होगा। तो इसमें भी आप लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव, जो पैसा आपको नहीं मिला। तो अगर आपको पैसा मिल चुका है तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे उसको। अगर शेयर अलॉटमेंट का आपको पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, अगर अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल चुका है तो फिर टू शेयर अलॉटमेंट नहीं आएगा। इसके बाद लिखा मैंने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव, कितना पैसा हमें मिल चुका है बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने इशू किए थे 1000 शेयर्स, 10 रुपए का एक था और पार पे ही इशू किया था, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे मांगे थे कितने रुपए, एप्लीकेशन पे मांगे थे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे थे 4 रुपए और फाइनल कॉल पे मांगे थे बचे हुए 3 रुपए। लेकिन एक पर्सन है एक जिसने जिसके पास कितने शेयर थे, उसके पास थे 100 शेयर्स। एक पर्सन है एक जिसके पास थे 100 शेयर्स, इसने मुझे एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, और मैंने इसके शेयर्स फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए। तो हम कैसे कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे एप्लीकेशन के 3 रुपए वो दे चुका है और हमने मांगे थे पूरे 10 रुपए, 10 रुपए हमने टोटल मांगे थे, 100 शेयर पे 10 रुपए हमने मांगे थे उससे, तो 1000 रुपए हमने मांगे थे, अमाउंट कॉल्ड अप लिख रखा है मैंने यहाँ पे कितना पैसा हमने मांगा है। तो 100 शेयर पे उससे 10 रुपए पूरे मांगे थे, फिर शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे जो पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पे 4 रुपए उसने नहीं दिए 100 शेयर पे, तो 100 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए, मतलब लिख सकते हैं आप यहाँ पे 400 रुपए। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया उसने, 3 रुपए नहीं दिया 100 शेयर पे, तो 300 रुपए यहाँ पे नहीं दिया उसने, और हमें दे चुका है वो एप्लीकेशन का 3 रुपए, 100 शेयर पे 3 रुपए, मतलब 3 रुपए 300 रुपए मुझे दे चुका है, तो 300 रुपए लिख सकते हैं आप टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो टोटल करेंगे तो आप सेम आएगा यहाँ पे 400 + 300 + 300 1000, और 1000 रुपए हमने मांगे थे, 1000 में से 400 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया, 300 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया फाइनल कॉल का, और 300 रुपए जो दे दिया उसने उसको लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो यहाँ पे वो पैसा लिखेंगे जो उसने दे दिया, जो हमें मिल चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे उन शेयर्स का फॉरफीचर करें जो इशू किए गए थे प्रीमियम पे, सेकंड मेथड की बात करें तो क्या दे रखा है मैंने यहाँ पे, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, तो जो मैंने प्रीमियम मांगा होगा या तो प्रीमियम का पैसा उसने मुझे दे दिया होगा या प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा। तो पहला केस है अगर प्रीमियम का पैसा मुझे मिल चुका है, हैज बीन रिसीव्ड, और दूसरा केस है If amount of premium has not been received, अगर मुझे नहीं मिला तो, तब क्या एंट्री बनाएंगे, और पैसा प्रीमियम कम मिल गया तो क्या एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल तो आप डेबिट करेंगे ही क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है, इश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल लिखते हैं क्रेडिट में, और फॉरफीचर के टाइम पे ले आएंगे उसको डेबिट में। और कौन सी अमाउंट से लिखेंगे, ये लिखेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से। तो ये कॉल्ड अप वैल्यू से आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे आप टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट नॉट रिसीव, कितना पैसा मुझे नहीं मिला, अगर अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल चुका है तो फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखना आपको टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, ये भी लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव, कितना पैसा नहीं मिला आपको। इसके बाद लिख देना टू शेयर फॉरफीचर में अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कितना पैसा आपको मिल चुका है, और यहां पे लिख लीजिए ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम अगर आपको मिल चुका है
तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उसको नहीं लिखना है, क्योंकि वो आ रहा होगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ना कि शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ, तो जितना शेयर कैपिटल का पैसा मुझे मिल चुका है वो ही लिखना है यहाँ पे। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो प्रीमियम को हटा दीजिए यहाँ पे। तो इसको भी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी पहले देख लेते हैं एक बार। सेकंड मेथड, इसमें क्या कहता है, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव, अगर प्रीमियम का पैसा मुझे नहीं मिला तब क्या एंट्री बनाएंगे, तब बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे डेबिट में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मुझे नहीं मिला होगा, तो ये भी मुझे खत्म करना पड़ेगा इस बार। इसके बाद टू में लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट कॉल्ड अप, कॉल्ड अप वैल्यू लिखनी है यहां पे आप, और यहां पे लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉट रिसीव्ड, कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला, और यहां पे लिखेंगे आप टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। इसके बाद लिखेंगे आप टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल में, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जितना पैसा आपको नहीं मिला होगा। इसके बाद लिखेंगे आप टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे आप अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा आपको मिल चुका है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको भी देखिए एग्जांपल देके करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1000 शेयर्स इश्यू किए थे कंपनी में, 10 रुपए का एक था, और अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्रीमियम के साथ इशू किया, और प्रीमियम है 2 रुपए का, रुपीज 2, तो इशू प्राइस हो जाता है यहाँ पे 12 रुपए। तो मैंने पैसे मांगे यहाँ पे 3 रुपए, 4 की जगह कर देता हूं मैं 6 रुपए, और भाई 6 रुपए को मैं कर लेता हूं 4 + 2, क्योंकि 4 रुपए अलॉटमेंट के हो गए, 2 रुपए प्रीमियम के, और टोटल आ जाता है कितना इनका 12 रुपए, क्योंकि इशू प्राइस कितना है यहाँ पे 12 रुपए है। अब एक पर्सन है ए, जिसके पास 100 शेयर्स है, और उसने मुझे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, और उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, उसने मुझे नहीं दिया केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि मिस्टर ए होल्डर ऑफ 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स फॉरफिटेड, तो इसने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, तो कैसे करेंगे इसको एंट्री में। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या प्रीमियम का पैसा इसने दे दिया। हाँ भाई, प्रीमियम का पैसा इसने दे दिया। कैसे पता लगा, इसने मुझे एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, और प्रीमियम जो देना था अलॉटमेंट पे देना था, मतलब अलॉटमेंट का पूरा पैसा मुझे दे चुका है। अगर यहाँ पे कहा होता मिस्टर ए होल्डर ऑफ 100 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, कॉल का पैसा भी नहीं दिया, फिर हम ये मानते कि भाई इसने अलॉटमेंट में प्रीमियम भी नहीं दिया, फिर हो जाता आपका सेकेंड वाला केस, प्रीमियम नहीं मिला। फर्स्ट वाला केस बनता है अब यहाँ पे, क्योंकि इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया है, केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो प्रीमियम इसने यहाँ पे मुझे दे दिया, तो प्रीमियम का पैसा ये दे चुका है, तो एंट्री बनाएंगे हम ये वाली, तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट में नहीं आएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखना है कॉल्ड अप वैल्यू, हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से, तो 100 शेयर्स पे कितना कॉल्ड अप है, 10 रुपए कॉल्ड अप है, 2 रुपए का प्रीमियम मांगा है, तो प्रीमियम शेयर्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने डेबिट किया केवल शेयर कैपिटल को, तो 100 शेयर पे 10 रुपए हमने मांग रखे हैं, लिख लीजिए यहाँ पे 1000 रुपीज, जितना पैसा हमने मांगा है। इसके बाद लिखेंगे आप टू शेयर अलॉटमेंट में कि अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का तो दे चुका है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अब आप नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुका है, तो जो पैसा वो दे चुका है उसे हमने नहीं लिखना है। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होता तो आता क्रेडिट में, अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना था उसे, उसने 6 रुपए देना था जो उसने दे दिया। इसके बाद देखना हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला। हाँ भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इसने 3 रुपए नहीं दिए, 100 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, तो 300 रुपए नहीं मिले हमें, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 300 रुपए। अब देखना है आपको कितना पैसा मिल चुका है वो लिखना है फॉरफीचर में। फॉरफीचर में कौन सा पैसा लिखते हैं हम, जो पैसा हमें मिल चुका हो, तो उसने दे दिया हमें एप्लीकेशन का भी और अलॉटमेंट का भी, तो टोटल 9 रुपए दे चुका है,
₹3 एप्लीकेशन पे, ₹6 अलॉटमेंट के, ₹9 वो दे चुका है, लेकिन जिसमें ₹2 का प्रीमियम है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है। टोटल ₹9 मिले हैं जिसमें से ₹2 का प्रीमियम है, तो प्रीमियम को हटा के कितने रुपए मिले आपको, ₹7 मिले, क्योंकि ₹2 का प्रीमियम मिला है ₹9 में से, क्योंकि अलॉटमेंट पे 2 का प्रीमियम है यहाँ पे, तो टोटल ₹7 मिले हैं आपको विदाउट प्रीमियम। तो ₹7 के हिसाब से निकलेंगे हम, यहाँ पे 100 शेयर पे ₹7 आपको मिल गए, टोटल ₹700 आपको मिल जाते हैं, ₹700 मिल जाते हैं, ₹300 नहीं मिलते हैं, टोटल आ जाता है ₹1000। अगर आपको यह अमाउंट निकालनी नहीं आती है तो इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख सकते हैं, जो डिफरेंस आएगा वही शेयर कैपिटल में चला जाएगा, तो दोनों का टोटल ₹1000 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर प्रीमियम का पैसा उसने नहीं दिया, तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो हम कहेंगे कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का पैसा भी इस बार नहीं दिया, तो कैसे होगा, केवल उसने दिया मुझे एप्लीकेशन का पैसा, तो एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप, कितना पैसा मांगा गया, 100 शेयर पे हमने ₹10 पूरे मांगे थे भाई, तो ₹1000 मैंने पूरे मांगे थे। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना नहीं मिला सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का था ₹2 और ₹2 नहीं मिला पूरा, तो 100 शेयर पे ₹2 का प्रीमियम मुझे नहीं मिला, तो प्रीमियम में लिख सकते हैं आप ₹200। ठीक है, इसके बाद देखा आपको टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला आपको, टोटल ₹6 नहीं मिला, 100 शेयर पे ₹6 नहीं मिला, तो ₹600 नहीं मिला, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम को नहीं हटाने आपने यहां से, प्रीमियम के साथ लिखना है कि कितना पैसा प्रीमियम के साथ हमें नहीं मिला। इसके बाद देखना है आपको फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे ₹3 नहीं मिले, तो 100 शेयर पे ₹300 यहां नहीं मिले भाई, ये भी लिख दिए। इसके बाद देखना आपको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना पैसा मिल गया अमाउंट, तो आपको मिल चुका है यहाँ पे कौन सा पैसा, एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है ₹3, तो 100 शेयर पे आपको ₹3 मिल चुके हैं, तो ₹300 आपको मिल चुके हैं, तो ये आ जाता है आपका यहाँ पे अमाउंट। तो जो पैसा आपका मिल चुका है उसको लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, और जो पैसा नहीं मिला उसको लिखेंगे अलॉटमेंट का नहीं मिला तो अलॉटमेंट में, और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल में। तो ये बन जाती है कुछ जनरल एंट्रीज फॉर फ्यूचर से रिलेटेड। इसके बाद बनेंगे रीइशू से रिलेटेड एंट्रीज, क्योंकि जो हमने शेयर्स फॉरफिट किए हैं वो हम करेंगे रीइशू किसी और को, तो उससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे बाद में, और इससे पहले करते हैं हम क्या, फॉरफिचर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बुक में से। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 और बुक है टी एस ग्रेवाल 2017 एडिशन, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्या देखा है क्वेश्चन में आपको, कहता है जेड लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, तो पार पे इशू किया गया और पैसा मांग रखा मैंने एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और फाइनल कॉल पे ₹2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन पे मांग रखा है कितना, एप्लीकेशन पे मांग रखा है ₹2 और अलॉटमेंट पे मांग रखा आपने ₹3। इसके बाद आपने मांग रखा है फर्स्ट कॉल पे और फर्स्ट कॉल पे मांग रखा आपने फिर से ₹3। इसके बाद फाइनल कॉल पे मांग रखा आपने ₹2, तो हो जाते हैं टोटल यहाँ पे ₹10। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 रुपए, टोटल 10 रुपए मांग रखे हैं मैंने। आगे क्या कहता है, मिस्टर गुप्ता वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो कहता है मिस्टर गुप्ता जिसको हमने 100 शेयर अलॉट किए थे, मिस्टर गुप्ता की बात चल रही है यहाँ पे, उसको हमने अलॉट किए थे 100 शेयर्स, और पहले केस में कहता है इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर्थ फॉरफिटेड, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और मैंने तुरंत उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पे फॉरफिचर की, तो लिखेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल को लिखेंगे डेबिट में क्योंकि आप कर रहे हैं फॉरफीचर। इसके बाद लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा उसने नहीं दिया मिस्टर गुप्ता ने, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो हमने अलॉटमेंट के बाद तुरंत फॉरफीट कर लिया उसका पैसा,
तो उसको हम डायरेक्ट अलॉटमेंट में लिखेंगे। और यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल एंड टू फाइनल कॉल नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल तो हमने उससे मांगा ही नहीं, यहीं पे हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। तो भाई देखो अलॉटमेंट का कितना पैसा उसने देना था, 100 शेयर पे ₹3 उसने नहीं दिए, ₹300 उसने नहीं दिए, और कितना पैसा वो दे चुका है एप्लीकेशन का, ₹2 दे चुका है 100 शेयर्स पे, तो 100 शेयर पे ₹2 ₹200 दे चुका है, और टोटल लिख सकते हैं आप डेबिट में ₹500 इन दोनों का। तो अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो कॉल्ड अप अमाउंट लिख सकते हैं, मैंने मिस्टर गुप्ता से कितना पैसा मांगा है, केवल 2+3 ₹5 मांगा है 100 शेयर पे ₹500। तो ये बन जाती है अगर फर्स्ट केस की एंट्री की बात करें तो। इसके बाद है यहाँ पे सेकंड केस, इसमें कहता है इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। कहता है मिस्टर गुप्ता ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, इस बार फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमने मांगा उससे, और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ठीक है भाई, यहां पे फॉरफिट कर लेते हैं, तो क्या एंट्री बनाएंगे सेकंड केस में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा भी मुझे नहीं मिला, और जो पैसा मिल गया उसे लिखेंगे हम टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे हमने अलॉटमेंट का पैसा भी मांगा और फर्स्ट कॉल का पैसा भी मांगा, और दोनों पैसे उसने नहीं दिए, केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया। तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए उसने, 100 शेयर पे अलॉटमेंट पे ₹3 नहीं दिए ₹300, 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे ₹3 नहीं दिए ₹300 यहाँ नहीं दिए, और 100 शेयर पे ₹200 वो दे चुका हमें एप्लीकेशन के, तो 100 शेयर पे ₹2 आ जाते हैं ₹200। तो टोटल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 800, क्योंकि आपने ₹8 अभी तक मांगे हैं, 2+3+3 ₹8 आपने मांगे हैं, तो यहाँ लिख के आप कॉल्ड अप वैल्यू, तो 100 × 8 ₹800 यहाँ देंगे। इसके बाद थर्ड मेथड में क्या कहता है यहाँ पे, थर्ड मेथड में कहता है इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। इस बार मिस्टर गुप्ता ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, मतलब इस बार अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा दे चुके हैं मिस्टर गुप्ता। तो इस बार मिस्टर गुप्ता ने मेहरबानी की है हम पे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुके हैं, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस बार टू शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुके हैं, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे चुके हैं और नहीं दे चुके हैं, और दे चुके हैं हमें केवल टू शेयर फॉर फ्यूचर, तो यहां कौन सा पैसा आएगा वो दे चुके हैं जो, तो फॉर फ्यूचर में लिखेंगे जो पैसा दे चुके हैं, फर्स्ट कॉल में लिखेंगे जो पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, तो ₹300 शेयर पे ₹300 आ जाते हैं नहीं दिए, ₹2 फाइनल कॉल पे नहीं दिए, ₹200 फाइनल कॉल का नहीं दिया, और एप्लीकेशन का ₹2 प्लस अलॉटमेंट का ₹3, ₹5 हमें मिस्टर गुप्ता दे चुके हैं, तो 100 शेयर पे ₹5 ₹500 लिख देंगे यहाँ पे, और टोटल आ जाता है ₹1000 लिख देंगे यहाँ पे। इस बार मैंने मिस्टर गुप्ता से पूरे ₹10 मांगे थे, सारे पैसे मांगे थे मैंने, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब जितना पैसा मैंने मांगा होगा, तो 100 शेयर पे पूरे ₹10 मांग रखे हैं, तो 100 × 10 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इनका टोटल करेंगे तो तब भी यही आता है। तो ये बन जाती है यहाँ पे जनरल एंट्रीज, और ये होता है क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो करते हैं खत्म। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है उसे हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम यूज कर सकते हैं ऑन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, मतलब हम डिवेंचर्स को जब डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं उस डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस को राइट ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कैन अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कोई कंपनी डिविडेंड बांट सकती है। तो आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।